तो आज हम लोग इस वीडियो में एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं, मींस फाइगम के बारे में। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चौथा पार्ट है। मींस इसके बाद हम एक और पार्ट लाएंगे जिसमें हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमें एनिमेलिया में पढ़ना क्या है। तो एनिमेलिया के कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो एनिमेलिया में हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमें पता है कि एनिमल्स में वही आते हैं जो यूकेरियोटिक सेल वाले होते हैं, मींस जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इनमें जो एनिमल्स आते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मींस अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे खाना के डिपेंडेंट रहते हैं, मींस भोजन के डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनका जो बॉडी होता है वो ग्रोथ करता है, मगर कुछ मैच्योरिटी के बाद इनका ग्रोथ बंद हो जाता है, मींस इनका हाइट बनना बंद हो जाता है। ये कुछ ही समय तक इनका हाइट इंक्रीज करता है। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमेलिया के बारे में, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एनिमेलिया। तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। तो पहला आता है सिमेट्री के बारे में पढ़ना होता है। तो सिमेट्री जो होता है एनिमल्स में दो तरह का होता है, बाइगेटरी सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो इन दोनों में होता क्या है, बाइगेटरी सिमेट्री में वही एनिमल्स आते हैं जिनको हम लोग दो इक्वल भाग में बांट सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम रेडियल सिमेट्री में जाएँ तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं जिसे हम लोग एक दो से ज़्यादा भाग में बांट सकते हैं, मीन्स इक्वल भाग में। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें स्टारफिश को, तो आपने देखा होगा उसको हम लोग बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो हमें लगता है कि बैगेटरी सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री आप समझ गए होंगे। तो अब जम रेयर के बारे में बात करते हैं। जम रेयर जो होता है सबके बॉडी में पाया जाता है। तो जम रेयर जो होता है वो तीन तरह का होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म। तो इक्टोडर्म कैसा होता है, इक्टोडर्म जो होता है आउटर मोस्ट रेयर होता है हमारी बॉडी का। तो आउटर मोस्ट रेयर मीन्स हम लोग समझ सकते हैं नेल, नाखून, हेयर और इपिडेमिक्स, इसके एग्जांपल्स होते हैं। और इंडोडर्म में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मीन्स वो बॉडी पार्ट आते हैं जो हमारे सबसे अंदर वाले पार्ट में रहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इनर मोस्ट रेयर में, जैसे स्टोमच हो गया, क्यूगोन हो गया और यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। एक और आता है मिजोडर्म। तो मिजोडर्म की बात करें, जो बॉडी जो ऑर्गेन्स हमारे इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में आते हैं उन्हें हम लोग मिजोडर्म कहते हैं। तो मिजोडर्म के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सभी एग्जांपल है। तो बॉडी कैविटी को हम लोग दो भाग में और बांटते हैं, मीन्स किसी बेसिस पे। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, डिप्रोब्लास्टिक और टिप्रोब्लास्टिक। डिप्रोब्लास्टिक एक ऐसा तरह का मीन्स क्या बोलते हैं ऑर्गेन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म के पास दो जर्म लेयर होते हैं, मीन्स इक्टोडर्म और इंडोडर्म जिनके पास होता है उनको हम लोग कहते हैं डिप्रोब्लास्टिक। और टिप्रोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास तीन जर्म लेयर होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म। हमें लगता है कि आप ये जर्म लेयर समझ गए होंगे, इक्टोडर्म क्या होता है, इंडोडर्म क्या होता है, मिजोडर्म क्या होता है, और डिप्रोब्लास्टिक टिप्रोब्लास्टिक तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग सिगोमेट के बारे में बात करेंगे। तो सिगोमेट को हम लोग सिगोम भी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का बॉडी कैविटी है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इसे हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, सिगोमेट, ए सिगोमेट, स्यूडो सिगोमेट। तो ये तीन भाग होते हैं। तो सिगोमेट में हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, सिगोम ही है और ये एक तरह का बॉडी कैविटी है। तो ए सिगोमेट में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होता ही नहीं है। तो हमने बॉडी कैविटी के बारे में पहले ही बात किया, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होता उनको हम ए सिगोमेट कहते हैं, और जिनके पास बॉडी कैविटी होता है उनको हम सिगोमेट कहते हैं। फिर आता है एक और स्यूडो सिगोमेट। स्यूडो सिगोमेट में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होता है मगर फर्स्ट बॉडी कैविटी होता है, मीन्स दिखावा के जो जिनके पास बॉडी कैविटी होता है उनको हम लोग स्यूडो सिगोमेट कहते हैं। तो सिगोमेट के बाद अब हम लोग एक और चीज़ के बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना होगा कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के पीछे पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहता है और गट से। गट के बारे में हम लोग जानते ही होंगे। तो नोटोकॉर्ड जो होता है ना वो कई ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता नहीं है और जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर इम्ब्रियो स्टेज से आता है, मीन्स बचपन से ही रहता है, और किसमें वर्टिब्रल कॉलम आता है एडल्ट फेज के बाद। तो अब हम लोग बेसिक्स जान चुके हैं, और बेसिक्स जानने के बाद हमें मदद करता है स्टडी करने में। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइगम, जो फाइगम है हमारा उसमें सबसे पहले आता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बॉडी जो होता है स्पॉन्जी होता है, पोरीफेरा मीन्स होल्स होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे होल्स होता है धीरे धीरे, तो उनको हम कहते हैं पोरीफेरा में रहते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो था एकदम सिंपल बेस था, क्योंकि इवोल्यूशन के बेस पे बहुत चीज हुआ है।
तो इनके अंदर जो था ये पानी में रहा करते थे, मीन्स एक्वेटिक एनिमल थे, और इनका बॉडी जो था सेलुलर ये बहुत सब ऑर्गेनाइजेशन था, मीन्स इनके बॉडी में सेल सब मिल गए मगर वो टिश्यू का फॉर्म नहीं कर पाए, तो सेलुलर ये बहुत सब ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इनके बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम भी होता था, कैनाल सिस्टम इनके बॉडी में फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी मदद करता था। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्पॉन्जिगा हो गया, साइकॉन हो गया, और ये जो होते थे एसिगोमेट होते थे, मीन्स इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं आई है, मगर धीरे धीरे बॉडी कैविटी आएगी, हर ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के साथ साथ बदलाव आएगा बॉडी पार्ट्स में। तो इनके अंदर अगर एसिगोमेट नहीं है, मीन्स एसिगोमेट है, मीन्स क्या कहते हैं हम, जिनके पास सिगोमेट नहीं होता उसको हम एसिगोमेट कहते हैं, इनके पास एसिगोमेट है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे क्या ऑर्गेनिज्म में सिगोमेट आएगा, स्यूडो सिगोमेट आएगा, ये सब आएगा। पहले बात किया कि इसका बॉडी जो होता है इसमें छोटा छोटा छेद होता है, मीन्स होल्स होते हैं, जो इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम को सर्कुलेट करता है फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। और इनका बॉडी जो होता है नन मोटाइल होता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, तो हम वो कहते हैं नन मोटाइल एनिमल। और इनका जो बॉडी होता है एक सॉलिड सपोर्ट रहता है, मीन्स किसी सॉलिड पार्ट से जुड़ा रहता है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं पोरीफेरा। ये जो नन मोटाइल होते हैं इनका बॉडी में बहुत सारा होल्स होता है और पोर्स होता है। इनका बॉडी जो होता है बहुत ही अजीब टाइप का होता है, और इनका बॉडी को आप देख के आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किस तरह का ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। तो अब हम वो कॉरेंटेटा के बारे में बात करेंगे या सिगेंटेटा। तो इनमें भी वही ऑर्गेनिज्म आते थे जो एक्वेटिक एनिमल रहते थे, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे लगभग वो सारे एक्वेटिक होंगे, मीन पानी में रहने वाले होंगे। इनका जो बॉडी होता था वो टिशू के बगैर ऑर्गेनाइजेशन होता था, मीन्स टिशू बहुत सारे मिल जाते हैं मगर ऑर्गेन का फॉर्म नहीं कर पाते हैं, मगर इनके अंदर बॉडी कैविटी होता है, मीन्स सिगोम होता है, जिनके कारण हम लोग इसे कोएगेंटेटा कहते हैं। इनका बॉडी जो होता है काफ़ी एडवांस होता है, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होता मगर इनका बॉडी जो होता है एसिगोमेट होता है। इनके बॉडी के अंदर दो जमघेर होते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो हम लोग जानते हैं तो हम लोग इनको कहेंगे डिप्रोब्लास्टिक, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। और इनका बॉडी जो होता है इनमें वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, मीन्स हमने पॉलीफेरा में वही ऑर्गेनिज्म आते थे जो मूव नहीं करते थे, मगर इसमें ऑर्गेनिज्म है जो थोड़े थोड़े मूव करने लग गए। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, कॉमन एग्जांपल आ गए, हाइड्रा हो गया आपका, जेलीफिश हो गया, सी एनिमल्स हो गया, सब इनका कॉमन एग्जांपल्स है। तो इसके बाद हम लोग प्लैटीहेमेंटस के बारे में बात करेंगे। तो इवोल्यूशन के कारण प्लैटीहेमेंटस का जो बॉडी था उसमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड आने लग गया, मगर थोड़ा आया। इनका बॉडी जो था बायगेटरी सिमेट्री था, जो हम बात कर चुके हैं इनका बॉडी दो भाग में कोई बांटा जा सकता है, मीन्स बायगेटरी सिमेट्री था। इनका बॉडी में तीन जमघेर था, कोएगेंटेटा में दो जमघेर था और प्लैटीहेमेंटस में तीन जमघेर था। तो तीन जमघेर को हम कहते हैं टिप्रोब्लास्टिक, मीन्स क्या हो गया, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म तीनों जमघेर थे, इसलिए इन्हें टिप्रोब्लास्टिक कहते हैं। और इनका जो बॉडी होता है इसमें कोई भी ट्रू कैविटी नहीं होता, मीन्स सिगोम होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं सिगोमेट क्या होता है। तो अगर हम लोग और बात करें, इनका बॉडी जो होता है एसिगोमेट होता है, मीन्स इनके अंदर सिगोमेट होता ही नहीं है। और इनका जो बॉडी होता है ये पैरासाइटिक भी होते हैं और ये दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं और ये फ्री लिविंग भी रहते हैं, मीन्स अकेले कहीं भी रहते हैं और पैरासाइटिक मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा रिवर फ्रंक्स और प्रेनेरिया, इनका कॉमन एग्जांपल्स है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेमाटोडा के बारे में। नेमाटोडा का बॉडी ऐसा होता है, मीन्स स्यूडो सिगोमेट उनके अंदर पाया जाता है। स्यूडो सिगोमेट मतलब क्या, फॉल्स बॉडी कैविटी। इनका बॉडी जो होता है बायगेटरी सिमेट्री होता है, मीन्स दो इक्वल भाग में हम लोग बांट सकते हैं। और इनका बॉडी टिप्रोब्लास्टिक होता है, मीन्स इसमें तीन जमघेर होते हैं। तो हम बात कर चुके हैं तीन जमघेर क्या क्या होंगे, इक्टो, मीजो और इंडो। तो अगर हम इनके बारे में और बात करें तो इनका जो बॉडी होता है इसमें कोई भी रियल ऑर्गेन नहीं होता, मीन इनका भी बॉडी टिश्यू के बगैर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके बॉडी में स्यूडो सिगोमेट होता है। और इनके बारे में अगर हम और ज़्यादा बात करें तो इनका बॉडी सेकेंडरी का इन शेप होगा, मीन सेकेंडरी जैसा, तो आपने देखा ही होगा। इनका बॉडी में टिशू का एक अजीबोगरीब डिज़ाइन होगा। इनका बॉडी जो होता है पैरासाइटिक होता है, जिनके कारण काफ़ी डिजीजेज पाए जाते हैं पैरासाइटिक के कारण, एलिफेंटियसिस मीन्स पैफ हो जाता है हाथी जैसा। तो एक अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल्स हो जाएगा एस्केरिस, जो हम लोग जानते हैं। तो एक और इनका एग्जांपल होगा उचेरिया।
तो नेमाटोडा के बाद अब हम लोग एनिडा के बारे में बात करने वाले हैं। एनिडा का बड़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनका बड़ी जो होता है सिगोमेट होता है। सिगोमेट मतलब हम समझते हैं कि टू बॉडी के बेटी जिनके अंदर होता है, और ये जो होता है ज़मीन पे ही पाए जाते थे और पानी में ही पाए जाते थे, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। इनका बड़ी तो हम लोग देखते ही हैं डेगी जो रीच को, तो हम लोग देखते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे चढ़ जाते हैं उनको हम रीच कहते हैं, और अर्थवर्म तो हम लोग देखते ही हैं डे टू डे लाइफ में। इनका बड़ी बाइगेटरी सिमेट्री होता है, मीन्स दो इक्वल भाग में हम लोग बांट सकते हैं। इनका भी बड़ी सिलिंड्रिकल इन शेप होता है और टू बॉडी कैविटी होता है, मीन्स सिगोमेट होते हैं। और इनका भी बड़ी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, मीन्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इनमें वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो अर्थवर्म हो गया, गीच हो गया, इनका कॉमन एग्जांपल्स हो गया। अब हम लोग ऑर्थोपोडा के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोपोडा जो होता है सबसे बड़ा फाइलम हम लोग मानते हैं, उसमें 80% स्पीसीज जो है हमारे आसपास वो ऑर्थोपोडा के ही है। इन्हें हम लोग लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी एनिमल लगभग हैं वो सारे एनिमल इसमें आते हैं। इनमें वही एग्जांपल आते हैं, मीन्स जो बाइगेटरी सिमेट्री होते हैं, मीन्स दो एक को पार्ट में बांध सकते हैं। और इनका बॉडी जो होता है सिगमेंटेशन होता है, मीन बॉडी में आपको कुछ डिज़ाइन दिख जाएगा, मगर इनके अंदर एक ख़राबी होता है, इनका जो बॉडी होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर, मीन्स ब्लड जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इनके अंदर कभी कभी ब्लड बाहर भी गिर जाता है। इनका बॉडी में ऑर्थोपोडा नाम से ही पता चलेगा, ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट लेग्स और पोडा मतलब हम जानते हैं। तो अगर हम इनकी कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल हो जाएगा बटरफ्लाई हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा, मुस्का हो जाएगा, ये सब इनका कॉमन एग्जांपल है। ये जो है लार्जेस्ट फाइलम, ये हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका बॉडी टिपोबास्टिक होता है, मीन इनके अंदर तीन जमघे होते हैं। तीन जमघे के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग मोलस्का के बारे में बात करने वाले हैं। मोलस्का भी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हम इसे कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा फाइलम है इसका। मीन्स मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पानी में ही पाए जाते हैं। इनका बड़ी बायोलेटरी सिमेट्री होता है, मीन्स दो इक्वल पार्ट में बांध सकते हैं। और इनका बड़ी टिपोबास्टिक होता है, मीन्स इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म तीनों पाए जाते हैं इनके बॉडी में। और इनका बॉडी में जो होता है थोड़ा सा सेगमेंटेशन होता है, मीन्स इनका बॉडी में पूरा बॉडी डिज़ाइन नहीं अलग होता, बस थोड़ा बॉडी डिज़ाइन होता है। इनके अंदर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी किडनी और नए नए ऑर्गन्स इनके अंदर आ गए थे। तो इनका जो बॉडी होता है वो मूव भी करता है, मीन्स पहले जो कुछ एनिमल्स पाए गए थे शुरुआत में जो मूव नहीं करते थे, ये मूव करते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल हो जाएगा चित्तौन हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा जिसको हम जानते हैं, और पिया हो जाएगा। तो अब हम लोग इकिनोडर्माटा के बारे में बात करने वाले हैं। इकिनोडर्माटा जो है एकदम कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इकोनोज मतलब होता है हेडजॉग, और डर्मा मीन्स होता है स्किन, जिसका स्किन जो होता है हिट झॉग होता है। और इनके बॉडी जो होता है स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं, क्योंकि इनका अगर आप बॉडी देखिएगा तो इसमें स्किन में स्पाइनी ऑर्गेनिज्म पाए जैसा लगेगा। इनका बॉडी जो होता है ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासाइटिक होते नहीं हैं और ये पानी में ही रहते हैं, मीन्स मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म है। इनका बॉडी होता है टिपोबास्टिक होता है, मेंटीन जमे तो होते हैं इक्टो इंडो और मिजोडर। और इनके बॉडी में टू बॉडी कैविटी होता है, टू बॉडी कैविटी मतलब समझते हैं। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो इनका बॉडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मूव करता है, मीन्स यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है। और इनके पास हाई पावर होता है रीजनरेशन का। अगर हम इनका एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल्स हो जाएगा स्टारफिश, जो कॉमन एग्जांपल है। इकिनोडर्माटा के बाद हम पोटोकोडेटा के बारे में बात करने वाले हैं। इनका बॉडी जो होता है सिगोमेट होते हैं, इनका बॉडी बायोलेटरी सिमेट्री होता है, मीन्स दो एक पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ये टिपोबास्टिक होते हैं। और इनका बॉडी होता है सिगोमेट होता है, मीन्स हम लोग जानते हैं टू बॉडी कैविटी। इनका बॉडी जो होता है इनके अंदर नोटोकॉर्ड जैसा भी चीज़ पाया जाता है, तो नोटोकॉर्ड के बारे में हम लोग पहले ही बात कर रही थी, ये इनका बेसिक है। मीन्स रॉड लाइक सपोर्ट जो इनकी बॉडी के पीछे में होता है उसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। और इनका जो बॉडी रहता है इसमें मसल्स भी पाए जाने का, पोटोकॉर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मगर कुछ ही लाइफ स्पेन मीन्स कुछ ही टाइम के लिए होता है। ये जो होते हैं मैराइन एनिमल होते हैं, मीन्स पानी में रहा करते हैं। और ये जो होते हैं गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। इनका एग्जांपल्स हो जाएगा ब्रैंकिओसोरस। तो अब हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में जानने वाले हैं। वर्टिब्रेटा को भी पांच भाग में लगभग बांटा गया था, तो वर्टिब्रेटा एक बड़ा टॉपिक है, तो वर्टिब्रेटा को देख रहे हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, मगर कुछ ही टाइम के लिए उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है।
इनके अंदर भटीबल कॉगम आ जाता है, जो हमने पहली बात किया था, हमारे अंदर भी भटीबल कॉगम आता है। तो इनका जो बॉडी होता है ट्रिप्रोब्रास्टिक होता है, मीन इसमें तीन जमरे होते हैं, और इनके अंदर जो होता है बॉडी कैविटी होता है वो भी टू बॉडी कैविटी होता है। अगर हम इनको भी पाँच बाट भाग में बांटा गया, पीसेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टेरिया हो गया, एप्स हो गया और मैमेरिया हो गया, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले पीसेस के बारे में, मीन्स मछलियों के बारे में। तो ये जो होते हैं पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे, मीन्स एक्वाटिक एनिमल्स थे, और ये एनिमल्स को कुछ देखते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो प्लेट्स और स्केल्स से कवर्ड होता है, और इनका बॉडी जो होता है ये सांस लेते हैं गैस के द्वारा। अगर पानी में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, उसके द्वारा वो गैस के द्वारा वो सांस लिया करते, वही पानी में पाए जाते हैं। इनके अंदर हार्ट का जो होता है दो चैम्बर्स होता है। ये जो होता है अंडा भी देते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो जितना भी मछली होता सारा मछली इन्हीं के एग्जांपल में आता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो लायन फिश हो गया, एंगल फिश हो गया और बहुत सारी फिश हो गया। अब हम लोग एम्फीबिया के बारे में बात करने पा रहे हैं। एम्फीबिया में वही एनिमल्स आते हैं जिनके ऊपर स्केल्स होता है और म्यूकस ग्लैंड भी होता है, और उनके अंदर तीन चैम्बर होता है हार्ट का। वो रिस्पायर भी करते हैं, वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। वो गैस और लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। वो जो होता है वो भी अंडा देते हैं, मीन्स रे करते हैं एग्स को। वो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रॉक्स हो गया, टोड्स हो गया, सेलामेंडर हो गया, जो इनका कॉमन एग्जांपल है। तो अब हम लोग रेप्टेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, मीन्स रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रेप्टेरिया में रहते हैं। वो जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी जो होता है स्केल से कवर्ड होता है और वो सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा। तो लंग्स तो हम लोग जानते हैं, हमारे अंदर भी लंग्स पाया जाता है। इनके अंदर जो होता है तीन चैम्बर ऑफ हार्ट होता है मोस्टली, मगर एक मतलब एक्सेप्शन भी इनका क्रोकोडाइल है जिनके अंदर चार चैम्बर होता है हार्ट का। तो हमें ज़्यादा एक्सेप्शन की बात नहीं करनी है। एम्फीबियन में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते वो गेंगते हैं, जैसे सांप को हमने देखा वो भी गेंगता है। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा टर्टल हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा। तो रेप्टेरिया तो एप्स में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास पंख होता है, मीन्स पंछियों के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनके पास चार चैम्बर होता है हार्ट का, और ये जो होते हैं अंडा देते हैं, और इनके पास फेडल्स होता है, मीन्स पंख होते हैं। और अगर हम इनके बारे में और बात करें तो ये रंग से सांस लेते हैं। जितना भी बर्ड्स आते हैं ये सारे बर्ड्स इसी में आते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच हो गया, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, क्रो हो गया, ये सब आते हैं हमारे एप्स में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे, तो अब हम लोग ममेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ममेरिया में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मगर उनके पास फोर चैम्बर होता है हार्ट का। उनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, इसलिए हम उन्हें ममेरिया कहते हैं। उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिसको हम मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं। उनके पास जो होता है स्वेट और ऑयल ग्लैंड भी होता है, और उनका जो बॉडी होता है वो कवर होता है स्किन और हेयर से। वो अपने यंगस्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी होती है। और अगर हम लोग ममेरिया के एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल्स नहीं, बहुत एग्जांपल्स है, वेग हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है ममेरिया की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।